किसान आंदोलन के बीच सीएम आज गन्ना किसानों से बात करेंगे। आज वेस्टर्न यूपी के गन्ना किसानों से वर्चुअली संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। और किसानों को मनाने के लिए बीजेपी लगातार किसान संवाद कार्यक्रम चला रही है। पश्चिमी यूपी बीजेपी के नेताओं को भी संवाद करने के लिए कहा गया है, वो भी मंत्री भी वहां से मौजूद रहेंगे इस संवाद कार्यक्रम में। तो किसानों से संवाद करने का प्रयास लगातार रूलिंग बीजेपी के द्वारा, और आज मुख्यमंत्री भी संवाद करेंगे। और सीधे आपको लिए चलते हैं, विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, किसानों की एक बड़ी समस्या ये भी निकल करके आई थी कि सबको अभी गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को भुगतान हो चुका है, लेकिन अभी कई महीनों से जो किसान हैं उनकी पेमेंट कंपनीज पर अटकी हुई है। पहले भी संवाद हो चुका है, तो इस बार क्या नया होगा और किस तरह आश्वस्त करेंगे सीएम योगी इन किसानों को? जी ऐसा देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, चूंकि विधानसभा चुनाव 2021 सर पर है और उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 104 विधानसभा सीटें हैं जहां पर किसान ही प्रभावी है और किसान ही सबसे बड़ा वोटर है। अगर वहां पर गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ और तमाम अन्य समस्या, जैसा कि नए कृषि कानून को लेकर समस्या चल रही है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपद हैं जो दिल्ली बॉर्डर से सटे हुए जनपद हैं, वहां पर लगातार महीनों से धरना प्रदर्शन आंदोलन और एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है, एक झगड़े की स्थिति बनी हुई है स्थानीय पुलिस से और प्रशासन से, सरकार से नाराज़ हैं किसान। इसलिए कोशिश कर रही है सरकार, केंद्र सरकार और यूपी सरकार दोनों ये कोशिश कर रही हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए कि नया कृषि कानून किस तरह से उनके हित में है, किस तरह से उनके लाभ में है, इससे उनकी आय बढ़ेगी। इसके अलावा जो गन्ना किसानों की समस्याएं हैं, वो किसानों की समस्याएं बहुत महीनों से चल रही, सालों से चल रही हैं। किसानों का भुगतान रुका हुआ है, जो संसाधन हैं वो भी किसी भी तरह से पूरे नहीं मिल पा रहे हैं उनको, वहाँ किसानों को तमाम तरह की समस्याएँ हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो भाजपा नेता हैं वो ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के किसानों का सरकार से संवाद कराया जाए। इसको लेकर पिछले साल अक्टूबर में और अब की साल मार्च में दो बार मुख्यमंत्री के साथ किसानों के प्रतिनिधि मंडल की बैठक भी हुई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अब चूंकि विधानसभा चुनाव तैयारी चल रही है, पूरे सर पर आ गया है, सरकार ये चाहती है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, 104 सीटें हैं, वहाँ पर किसी न किसी तरह से जो नाराज़ किसान हैं उनकी नाराज़गी दूर करके उनको अपने पक्ष में किया जाए। उनको किसान को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया था। जब पिछली बार मार्च में बैठक हुई थी तब वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, भाजपा नेता, वो किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल को लेकर आए थे यहाँ पर लखनऊ, और लखनऊ में मुलाकात हुई थी। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको बताया कि किस तरह से उनके लिए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, निधि है, उसमें सर्वोच्च प्रदर्शन किया है और प्रदेश के किसानों के लिए कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, सारी योजनाएं, सारे कार्यक्रम गंभीरता से लागू किए गए हैं। और ये भी कहा था कि कुछ लोग ऐसे लोग हैं, बिचौलिए हैं, और कुछ किसान के